भारतीय करेंसी के ऊपर ये लाइन क्यों होता है? कोई इंजेक्शन हाथ में तो कोई पिछवाड़े में क्यों लगाई जाती है? दवाई के पत्ते पे लाल रंग का साइन क्यों होता है? एक ऐसा बलून जो 120 सालों से जल रहा है। हम बर्थडे के दिन कैंडल्स क्यों जलाते हैं? और क्या अंडा खाने से बाल झड़ता है? नंबर 10, हम सब अपने बर्थडे के दिन कैंडल्स जलाते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि बर्थडे के दिन कैंडल्स हम जलाते क्यों हैं? नहीं। बर्थडे के दिन कैंडल्स जलाने की प्रथा प्राचीन इजिप्ट से चली आ रही है। लोग अपने दिमाग में एक विश सोचते थे और फिर जोर से फूंको कैंडल को एक ही बार में बुताते थे और बिलीव करते थे कि उनकी विशेज कैंडल के धुआं के माध्यम से गॉड के पास पहुंच जाएगी और गॉड उस विश को पूरी कर देंगे। अब मुझे पता है आप भी ऐसा ही करने वाले हो। नंबर 9, दवाई के ऊपर लाल रंग का साइन क्यों होता है? हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं और दवाई लेके खा लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर कोई जरूरत ही नहीं है। और कभी कभी तो यार हम हद ही कर देते हैं, हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव से सेम बीमारी का दवाई का नाम पूछ लेते हैं और वही दवाई खरीद के खा लेते हैं। बट जरूरी नहीं कि एक ही दवाई अलग अलग लोगों पे सेम रिएक्ट करे, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो सभी लोगों पे एक जैसा असर नहीं डालती और ऐसी दवाइयों के ऊपर ही लाल रंग का लाइन बना होता है। तो यार आगे से इस तरह की दवाई खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना। नंबर 8, एक ऐसा बल्ब जो 120 सालों से लगातार जल रहा है। कैलिफोर्निया के लिवरमोर सिटी में फायर एक्सटिंक्शन सेंटर के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है जो 120 सालों से जल रहा है। इस बल्ब को सबसे पहले 1901 में जलाया गया था और तब से लेकर अभी तक यह बल्ब लगातार जल रहा है। 1901 में यह बल्ब 60 वाट का था और 2021 में इस बल्ब की रोशनी घटकर सिर्फ 4 वाट के बराबर रह गई है। नंबर 7, क्या कभी किसी ने पृथ्वी को तौल के देखा है कि उसका वजन कितना है? और क्या ऐसा करना संभव है? पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज का वेट गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। पृथ्वी जितनी क्षमता से किसी भी चीज को खींचती है उस फोर्स को उस वस्तु का वेट कहते हैं। तो पृथ्वी का वेट पता करने के लिए हमें पूरी पृथ्वी को उठा के एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल है। बट हमने पृथ्वी का मास पता कर लिया है और इसका मास है 6 के ऊपर 24 किलोग्राम। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। नंबर 6, कंघी में दो साइज के दांत क्यों होते हैं? ज्यादातर कंघी में दो साइड्स होते हैं और दोनों में अलग अलग साइज के दांत होते हैं। एक तरफ मोटा दांत और दूसरी तरफ पतला दांत होता है। जिस तरफ मोटा दांत होता है वो वाला साइड हमारे उलझे हुए बालों को सही करने के लिए होता है, मतलब कि बाल को झाड़ने के लिए होता है। और जिस तरह पतला दांत होता है वो वाला साइड स्टाइल करने के लिए होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आज के बाद कंघी का सही इस्तेमाल करना। नंबर 5, शादी के बाद भी लड़कियों के पैन कार्ड पे पापा का ही नाम होता है। एक्चुअली पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये भारत में रहने वाले सभी लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटी को बताता है और इसमें अकाउंट होल्डर के साथ में उसके पापा का नाम होता है। तो क्या भारत सरकार के आयकर विभाग के सामने पति की कोई वैल्यू नहीं है? जब बेइज्जती है। बात ऐसी नहीं, एक्चुअली मैंने पहले ही बताया पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर और लोगों का तलाक भी तो होता है, इसलिए बार बार एडिटिंग करना पड़े तो परमानेंट का क्या मतलब। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। नंबर 4, आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि डॉक्टर कभी हाथ में सुई लगाते हैं तो कभी पिछवाड़े में। ये समस्या है रे, क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली कौन सी सुई कहाँ लगेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सुई के अंदर कौन सी दवा भरी हुई है। अगर सुई के अंदर भरी दवा खून में आसानी से मिल जाएगी तो उसे हाथ में लगाया जाता है, और अगर सुई के अंदर भरी दवा का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है तो उसे पिछवाड़े में लगाया जाता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन वाले लिक्विड को खून में मिलने में टाइम लगता है। और ये वाली सुई अगर हाथ में लगा दी जाए तो आपका हाथ दर्द करता रहेगा, और हमारा हाथ कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आपको पता ही है। नंबर 3, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि इंडियन करेंसी के ऊपर दोनों साइड में लाइंस बने होते हैं। एक्चुअली नोट को सभी प्रकार के नागरिकों के उपयोग के लिए बनाया जाता है, तो एक्चुअली ये लाइंस अंधे लोगों के लिए होता है। ये लाइन थोड़ी उठी होती है जिससे अंधे लोग छूकर पता कर लेते हैं कि यह नोट कितने का है, और ध्यान देना कि सभी नोटों पर अलग अलग लाइंस होते हैं। नंबर 2, गेहूं की एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है? गेहूं के 100 ग्राम आटे में 380 कैलोरी होती है, और फ्रैक्चरल इतना तो जानता है कि सबकी मम्मी एक जैसा रोटी नहीं बनाती। तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम आटे में 4 रोटी बनी तो एक रोटी में हुआ 95 कैलोरी, और अगर आपने उसमें घी लगा दिया तो 30 से 40 कैलोरी और बढ़ जाएगी, और एक एवरेज इंसान को एक दिन में 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो रोटी के साथ हम सब्जी और सैलड भी तो खाते हैं और दिन में 3-4 बार तो खाना खा ही लेते हैं। और नंबर 1, भाई अगर किसी ने कह दिया है कि अंडा खाने से बाल झड़ता है तो जाओ पहले उसे पीट के आओ फिर वीडियो देखना। एक्चुअली सच तो ये है कि अंडा बालों के सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को पोषण देकर मजबूत बनाता है जिससे बालों का झड़ना कम होता है। अंडे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बायोटिन और कैल्शियम होता है जो बालों की अच्छी ग्रोथ में और नए बालों के उगने में हेल्प करता है। तो यार अंडा खाया करो, वैसे भी ठंड का टाइम है तो जरूरी भी है। तो हमारे बेस्ट व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।